टीम इंडिया के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव ने एशिया कप 2023 में दमदार प्रदर्शन कर टीम इंडिया को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई। फाइनल मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को एशिया कप खिताब अपने नाम किया। एशिया कप टूर्नामेंट में कुलदीप यादव सबसे सफल स्पिन गेंदबाज बनकर निकले। एशिया कप टूर्नामेंट शुरू होने से पहले कुलदीप यादव बाबा बागेश्वर धाम पहुंचे थे और जिसके बाद पूरे टूर्नामेंट में उनका सितारा बुलंदियों पर रहा। आलम ये रहा कि कुलदीप यादव ने केवल 2 मैचों में ही 9 विकेट चटका लिए। अब एशिया कप में मिली सफलता के बाद कुलदीप यादव एक बार फिर अपने परिवार के साथ बाबा बागेश्वर धाम पहुंचे। इस समय टीम इंडिया के चाइनामैन कुलदीप यादव के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ कुछ फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिसमें वो बागेश्वर सरकार के दरबार में पहुंचे हैं और इसके बाद उन्होंने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से आशीर्वाद लिया। इस दौरान उनके साथ परिवार के सदस्य भी दिखाई दिए। बाबा बागेश्वर सरकार के फेसबुक पेज से भी कुलदीप यादव और उनके परिवार के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से आशीर्वाद लेते हुए तस्वीरें पोस्ट की गई हैं। इसके साथ कैप्शन में लिखा गया है, चाइनामैन के नाम से विश्व प्रसिद्ध भारतीय स्पिन जादूगर और पूज्य सरकार के अति प्रिय शिष्य कुलदीप यादव जी पहुंचे बागेश्वर धाम सरकार के दर्शन हेतु। एशिया कप में शानदार प्रदर्शन करने के बाद पूज्य सरकार का आशीर्वाद लेने पहुंचे। आगामी वर्ल्ड कप में अच्छे प्रदर्शन के लिए भी आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि इससे पहले जुलाई में ठीक वेस्ट इंडीज दौरा शुरू होने से पहले भी कुलदीप यादव बाबा बागेश्वर धाम पहुंचे थे। कुलदीप यादव ने एशिया कप के सुपर 4 मैचों में पाकिस्तान के खिलाफ 5 विकेट हासिल किए थे और फिर श्रीलंका के खिलाफ मैच में भी 4 विकेट लेने का कारनामा किया। अब कुलदीप यादव 22 सितंबर से शुरू हो रही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की वनडे मैचों की सीरीज में खेलते हुए नजर आएंगे। हालांकि उन्हें पहले 2 मैचों के लिए आराम दिया गया है, लेकिन तीसरे मैच में उनकी वापसी संभव है।